अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद है खैरियत से होगे। मैं आपकी मेज़बान मारूफा नवाज़ अहमद आप सभी को वेलकम करती हूँ अपने एक नए वीडियो में। भाई जैसे कि आप सब जानते ही हो वीडियो के स्टार्टिंग को देख करके, आज मैं आप लोगों के साथ एक रोज़े का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ जो शबे बारात के दूसरे दिन हम लोग रखते हैं। अब रमज़ान से पहले ये एक रोज़ा ऐसा है कि हम लोगों का सबका प्रैक्टिस हो जाता है रोज़ा रखने से पहले रोज़े का, और ऐसे में शबे कदर थी कल। रात भर हम लोगों ने इबादत किया, आप लोगों ने भी की होगी इबादत, और रात भर जागने के बाद वक्त ही नहीं मिला सुबह जल्दी उठ जाऊं और सारी चीज़ें कर लूं। उठते उठते काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया फ्रेंड्स, तो चलिए उससे कोई नहीं, मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ शबे बारात का व्लॉग अलग से शेयर करूंगी, लेकिन यकीन जाने फुर्सत ही नहीं मिला। वैसे आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गए कल, क्योंकि कल इबादत की रात थी, शाम से लोग बिज़ी हो जाते हैं इबादतें इलाही करने में, और ऐसे में अगर मैं वीडियो शेयर भी करती तो आप लोगों के पास भी फुर्सत नहीं होता देखने का, और ना ही मेरे पास फुर्सत था कि मैं वीडियो ही शूट करूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है, वक्त बहुत कम होता है और वक्त का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। अब भाई चलें, अभी बज रहे हैं दिन के करीबन 3, ठीक है, और नमाज़ वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं, आप लोगों की भी हो गई होगी, और अब हम लोग चलते हैं नीचे अपने घर की तरफ। ये मेरे घर का छत है, ये देखें, ये मेरे घर का छत है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे अपने घर की तरफ और करते हैं सारे इफ्तार का प्रिपरेशन, क्योंकि वक्त कम है और काम ज़्यादा है। आइए चलिए नीचे चलते हैं। कम किस लिए, ऊपर काफ़ी ज़्यादा धूप है, अजीब सा मौसम होकर है, आंखें ही नहीं खुल रही थी ऊपर में, और अभी मैं आती हूँ यहाँ देखती हूँ कि मेरी तप्पी ऑलरेडी आ चुकी है हमारे घर, और वो भी साथ में इफ्तार करेंगी हमारा, तो अभी चले इफ्तार का प्रिपरेशन करते हैं और वो आप लोगों के साथ करते हैं शेयर। आइए जी भाई फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है चना बनने में, तो इसलिए अभी हम लोग चने को सबसे पहले प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। चना प्रिपेयर हो जाने के बाद हम लोग करेंगे दूसरी चीज़ों को प्रिपेयर, तो अभी आप लोग ये देखें यहाँ पे चना तैयार हो गया ऑलमोस्ट, वहाँ हमारा ऑलरेडी हो गया है कंप्लीट फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम लोगों ने काट लिया है स्लाइस पूरा यहाँ पे पोटैटो ऐसे करके, क्योंकि हम लोग बनाएंगे इसका आलू बरा जिसे बेसन में घोलकर बनाते हैं, वो कैसे मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो भाई फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम लोग घोलेंगे यहाँ पे बेसन, ठीक है, तो ये पूरा बेसन का पैकेट हम लोग इसमें डाल लेते हैं भाई, इतना हम लोग इसमें सॉल्ट मिला देते हैं, थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर। फ्रेंड्स मेरा चैनल कोई रेसिपी वाला चैनल तो नहीं है, लेकिन आज आप लोगों के साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ मैं शबे बारात के रोजे का, तो वही प्रिपरेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी हम लोग इसमें मिक्स करेंगे एकदम थोड़ा सा, ये देखिए जरा सा क्वांटिटी वाला खाने वाला सोडा है, ठीक है, तो उसको मिक्स कर देते हैं हम लोग इसमें। ये देखिए हम लोगों ने कर दिया है इसमें मिक्स, और फिर इसके बाद हम लोग मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा वाटर, ठीक है, बस, और वाटर मिलाने के बाद में इसे हम लोग अच्छे से घोल लेंगे। थोड़ा थोड़ा वाटर हम लोग इसमें मिलाएंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इसमें मिलाएंगे पानी, क्योंकि हम लोगों को इसको इसमें मिलाकर फ्राई करना है, डीप फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई नहीं। तो ये देखें ये हो गया बनकर हमारा तैयार पूरा, ये ठीक है, ये है बेसन। आलू बरा का प्रिपरेशन हो गया है फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊं जो हम लोगों ने पहले ही से करके रखा था, क्योंकि भाई प्याजू बनाने के लिए चने के दाल को भी हम लोगों ने पहले से फुला लिया था और वो सारा मैरिनेशन हो गया, तब मेरे दिमाग में आया कि चले ना एक छोटा सा व्लॉग बनाकर आप लोगों के साथ करते हैं शेयर। उस वक्त तक मेरा व्लॉग बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अभी मैंने सोचा कि चले एक रमज़ान से पहले एक रोज़ा जब आया है शबे बारात का, इतना अच्छा रोज़ा है फजीलत वाला, तो क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि हम लोगों ने प्याजू का क्या प्रिपरेशन किया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा तैयारी कर लिया है प्याजू का, प्याज वगैरह मिला दिया है इसमें, चने का दाल का ये बनता है, सभी को मालूम होगा जितने भी मेरे मुस्लिम भाई बहन है प्याजू खाना पसंद करते हैं, भाई रमजान का तो जान होता है ये, इसके बिना दस्तरखान अधूरा होता है भाई। फ्रेंड्स तो रमज़ान में आप जो कुछ भी खा लो ना, अगर प्याजू नज़र नहीं आता है ना इफ्तार का यू नो इसमें दस्तरखान में, तो ऐसा लगता है यार कुछ तो मिस हो रहा है, तो यही वो चीज़ है प्याजू और चना जो रमज़ान का स्पेशल याद दिलाता है। तो आज हम लोग रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए ध्यान में प्याजू और चने का भी प्रिपरेशन किए हैं। अभी एक और चीज़ दिखाती हूँ, रुके, ये देखें कच्चा चना, क्योंकि पका वाला चना जो होता है उसे तो हम लोग खाते ही हैं, लेकिन साथ में कच्चा चना का भी प्रिपरेशन करते हैं, मिलाकर खाने में जो टेस्ट आता है ना, तो उफ क्या कहना, ट्रायल कीजिएगा ज़रूर। मोस्ट ऑफ द मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो खाते ही होंगे ये चना,
मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो नहीं किए अभी तक ट्राई वो जरूर ट्रायल करके देखें जी। भाई मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरा नमाज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और टप्पी ऊपर जाओगी छत में? चले फ्रेंड्स, थोड़ा ऊपर चलते हैं और ऊपर का थोड़ा नज़ारा देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं, और फिर नीचे वापस आकर इफ्तार का प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि फिर मगरिब का वक्त हो जाएगा। आइए ऊपर चलते हैं। आओ टप्पी, इतना ज्यादा धूप ना हम लोग छत में खड़ा होगे तुमको कितना सारा चीज नजर आएगा। बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। सामने बांग्लादेश हाई कमीशन भी दिखाओ, बैक कैमरा से आप लोगों को भी दिखाती हूँ। वो देखें फ्रेंड्स, सामने बांग्लादेश का फ्लैग लहराते हुए। अब ये बांग्लादेश नहीं, ये इंडिया है, ठीक है, लेकिन वो बांग्लादेश हाई कमीशन ऑफिस है। सामने ब्रिज आपको नजर आएगा वहाँ पे, और ये रहा हमारा लाल मस्जिद यहाँ पे, ठीक है। वो बिल्डिंग न्यू कंस्ट्रक्ट हो रहा है सामने, ये देखें वो डबल बिल्डिंग जो वो कड़ाया था ना है। सामने क्वेस्ट मॉल, ये देखें ये है क्वेस्ट मॉल। एक और चीज़ दिखाती हूँ, रुकिए। वहाँ बहुत दूर ये देखें एकदम हल्का सा आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये सामने ITC रॉयल बंगाल, ये देखिए एकदम धुंधला सा, ये देखें ये वाला। तो जी भाई फ्रेंड्स, जब भी बहुत ज़्यादा बोरियत सा फील होता है ना, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लॉगिंग के लिए जाती रहती हूँ बाहर, सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कभी कभी घर में रहने का जब दिल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग करने के बाद में इंसान बोर भी हो जाता है, कि मन होता है कि भाई थोड़ा देर घर में रहे, लेकिन मेरा कुछ ऐसा है कि थोड़ी देर घर में रहकर फिर बोरियत से जब फील होता है ना, तो मन होता है कि अकेले शांति से मैं छत पर आकर नज़ारा करूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा, रात को ऊपर से देखने का ना अलग ही नज़ारा होता है पूरा, मतलब लाइट वगैरह जल जाता है, ऐसा लगता है ना कि ऊपर से नज़ारा देख रहे हैं, जैसे प्लेन से नज़र आता है ना ऊपर से, बड़ा खूबसूरत खूबसूरत सा, वैसे ही कुछ लगभग वैसे ही नज़र आता है। प्लेन की तो बात कुछ अलग ही होती है भाई, ऊपर से देखने वाले ने तो अभी तक देखा होगा तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और सामने मेरे नज़र आ रहा है द 42 बिल्डिंग, जो अभी तक हमारे कोलकाता का सबसे ऊँचा बिल्डिंग है। रुकिए मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो वो देखें फ्रेंड्स, ये है द 42, ठीक है भाई। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आलू जो है वो फ्राई कर रही हूँ, मतलब आलू बड़ा बना रही हूँ, और यहाँ पे मैडम आ गई हैं। आप इतनी लेट क्यों आई हैं? थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, इनका एग्जाम ऑन होने वाला है इसलिए ये बहुत ज्यादा अभी बिजी चल रही हैं। आप तो गई थी मेरी फ्रेंड के घर, नौशिन के घर, मेरा काम से, तो क्यों नहीं गई? कुछ अर्जेंट काम होगा। अच्छा, वो रात भर इबादत की होगी इसलिए उन्होंने कहा होगा आपको, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी आप मेरे घर आई है ना, आई वेलकम यू, तो आप मेरे घर पर बैठे आराम से, अभी आप मेरे साथ इफ्तारी करें। फ्रेंड्स ये देखें हमारा आलू बरा जो है वो हो गया है तैयार, और अभी फ्राई करेंगे हम लोग इसमें प्याजू। इसमें और ऑयल ऐड करना होगा। आलू बरा बनाने के बाद फ्रेंड्स अभी हम लोग छोटे छोटे साइज का प्याजू बनाएंगे। आप चाहो तो बड़े भी साइज का कर सकते हो, लेकिन हम लोग छोटे छोटे साइज का बनाएंगे क्योंकि वही टेस्टी लगता है। छोटा चीज़ देखने में बड़ा यमी यमी सा लगता है। अब जैसे हमारी क्याकशा छोटी सी है, देखने में प्यारी सी, बड़ी अच्छी सी, तो अब वही अगर बड़ी हो जाएगी मुझे बोलने से मना कर रही है, वो झुका के हंस रही है मुझे अच्छा लगता है सारा छोटा छोटे चीज़ देखने में। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो बड़ा प्यारा प्यारा सा लगता है, बड़े हो जाते हैं उतने अच्छे नहीं लगते। वैसे बड़े हो जाने से बच्चों के दुश्मन काफ़ी हो जाते हैं, वैसे मेरे भी हुए हैं। मैं जब छोटी थी तो मुझे बहुत लोग पसंद करते थे, लेकिन जैसे ही बड़ी हुई बहुत लोगों की जलन का बाइस बन गई। हटाओ यार, हटाओ ना। जैसे फ्रेंड्स क्यों, जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, सारे ही लोग, सिर्फ मेरे ही साथ नहीं बल्कि और भी बहुत सारे के साथ हुए होंगे, आप लोगों के साथ भी हुए होंगे। जब आप छोटे होंगे तो लोग आपको बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते होंगे वैसे ही वैसे लोग आपसे हसद रखते होंगे। मेरे साथ तो बहुत हुआ है भाई, मेरे इर्द गिर्द आस पास रिलेटिव सारे ही, जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे जलन बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया ना कि मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में भी बयां भी नहीं कर सकती। ओह मेरा प्याजू ना जल जाए, इसलिए मैं प्याजू अभी तलती हूँ, और अब आप लोगों को सीधा मिलूंगी दस्तरखान पर इफ्तार के वक्त। नाउ भाई फ्रेंड्स, फाइनली हमारा इफ्तार का जो सारा प्रिपरेशन था वो हो गया है, और हमारे इफ्तार में क्या है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे अहमद साहब भी आ गए हैं हमें ज्वाइन करने के लिए इफ्तार में, वो भी रोज़ा है, मेरी टप्पी भी रोज़ा है, सभी रोज़ा है हम लोग। तो चले अभी दिखाती हूँ इफ्तार में क्या है। फ्रेंड्स खजूर से शुरुआत कर रही हूँ मैं आप लोगों को दिखाने का, और ये देखिए यहाँ पे कच्चा चना जो मैंने आप लोगों को प्रिपरेशन पहले ही दिखाया था, और यहाँ पे पका हुआ चना जो हम लोगों ने प्लेट में निकाल लिया है। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं, यहाँ पे वाटरमेलन है, और यहाँ पे सैलड है क्योंकि भाई चना के साथ तो सैलड होना ही चाहिए। यहाँ पे बनाना, और उसके साथ में यहाँ पे आलू बरा जिसे हमें बना रहे थे हम लोग, और यहाँ पे देखिए प्याजू। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने रखा है शरबत।
भाई सर इफ्तार का टाइम हो गया है, अजमन हो रहा है आपको जो है उसका डिटेल एक बार जो है आप टाइम देंगे यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, क्योंकि फोन पर सारी चीजें बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सर अपने काम मीटिंग में थोड़ा बिजी है, बिल्कुल बिल्कुल सब ठीक है। आप इसमें से शामिल करिए, आपको 26 तारीख हो गई आपका सब, आज मान लीजिए लॉग इन करते हैं, कल लॉग इन करते हैं। भाई फ्रेंड्स फाइनली हमारा इफ्तार हो गया है और हमने जो मगरिब की नमाज थी वो भी पढ़ ली है और अब हम हो गए हैं फारिग इफ्तार वगैरह सारा चीज़ करके। तो मुझे इजाज़त दें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बेहतरीन एक अच्छे वीडियो के साथ आप लोगों के साथ बहुत जल्द मिलने वाली हूँ। मेरे वीडियो का वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल में हिट कर लें। तो चलिए अब बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।